उत्तराखंड के कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। ये लगभग 12 वर्षों के बाद आयोजित होती है। लोक इतिहास के अनुसार नंदा गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश की इष्ट देवी थी। इष्ट देवी होने के कारण नंदा देवी को राजराजेश्वरी कहकर संबोधित किया जाता है। नंदा देवी को पार्वती की बहन के रूप में देखा जाता है, परंतु कहीं कहीं नंदा देवी को ही पार्वती का रूप माना गया है। नंदा के अनेक नामों में प्रमुख हैं शिवा, सुनंदा, शुभानंदा, नंदिनी। पूरे उत्तराखंड में समान रूप से पूजे जाने के कारण नंदा देवी के समस्त प्रदेश में धार्मिक एकता के सूत्र के रूप में देखा गया है। रूपकुंड के नरकंकाल बगुबावासा में स्थित 8वीं सदी की सिद्ध विनायक भगवान गणेश की काले पत्थर की मूर्ति आदि इस यात्रा की ऐतिहासिकता को सिद्ध करते हैं। साथ ही गढ़वाल के परंपरागत नंदा जागृत नंदा देवी की गाथा गाने वाले भी इस यात्रा की कहानी को बयां करते हैं। नंदा देवी से जुड़ी जात यात्रा दो प्रकार की है, वार्षिक जात और राज जात। वार्षिक जात प्रतिवर्ष अगस्त सितम्बर माह में होती है, जो कुरूर के नंदा मंदिर से शुरू होकर वेदनी कुंड तक जाती है और फिर लौट आती है। लेकिन राजजात 12 वर्ष या उससे अधिक समयांतराल में कुरूर से ही शुरू होती है। मान्यता के अनुसार देवी की यह ऐतिहासिक यात्रा चमोली के कुरूर से शुरू होती है। कुरूर के मंदिर से भी दशोली और बधौन की डोलियां राजजात के लिए निकलती है। इस यात्रा में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी कंसुबा से होमकुंड तक पैदल करनी पड़ती है। इस दौरान घने जंगलों, पथरीले मार्गों, दुर्गम चोटियों और बर्फीले पहाड़ों को पार करना पड़ता है। अलग अलग रास्तों से ये डोलियां यात्रा में मिलती है। इसके अलावा गांव-गांव से डोलियां और छतौलियां भी इस यात्रा में शामिल होती है। कुमाऊं कुमायूं से भी अल्मोड़ा, कटारमल और नैनीताल से छतौली नंदकेश्वरी में आकर राजजात में शामिल होती है। कंसुबा से राजा की छतोली आती है, जो नंद केसरी में कुरूर की नंदा भगवती के साथ मिलती है। कंसुबा से हुई यात्रा का दूसरा पड़ाव नौटी है, फिर यात्रा लौट कर कंसुबा आती है। इसके बाद नौटी, सेम कोटी, भक्ति, कुलसारी, चैपड़ों, लोहाजंग, वाण, वेदिनी, पातर नचौनिया से विश्व विख्यात रूपकुंड, शिला समुद्र, होमकुंड से चनन्याघाट, चंदिन्याघाट, सुतौल से घाट होते हुए नंदप्रयाग और फिर नौटी आकर यात्रा का चक्र पूरा होता है। ये दूरी करीब 280 किलोमीटर है। इस राजजात में चौसिया खाडू चार सींगों वाला भेड़ भी शामिल किया जाता है, जो कि स्थानीय क्षेत्र में राजजात का समय आने के पूर्व ही पैदा हो जाता है। उसकी पीठ पर रखे गए दो तरफा थैले में श्रद्धालु गहने, श्रृंगार सामग्री व अन्य हल्की भैंस देवी के लिए रखते हैं, जो कि होमकुंड में पूजा होने के बाद आगे हिमालय की ओर प्रस्थान कर लेता है। लोगों की मान्यता है कि चौसिया खाडू आगे बढ़कर हिमालय में जाकर योग हो जाता है। नंदा देवी